by beautiful. So they are not comfortable, you know, for, to come on my cover. They have different mindset though. I don't know. So Sandeep, I chose him because I read about Sandeep's article, The Modern Karna. I really appreciated, and what we saw today, it was splendid. And I know Sandeep since a year now, and he is such a humble, and he is a celeb though, he is really humble and a very kind hearted. And yeah, I approached him and he was like okay, and I wanted to, you know, bring out this beautiful act of his in front of the people. And it was a medium, beautiful was a medium for this. So yes, I'm glad for this. And all the very best, Sandeep, for you, for your future plays and dances and awards, whatever you do. Magazine, and other is Kulvinder sir, who is the director of my new play, Death Conqueror Karn. And in dono ki karan hi main is cover pe aaya hu, agar ye nahi hote dono to shayad main is cover pe nahi hota. So thank you so much for this, it just feels so wonderful. Or Beautiful is a wonderful magazine on lifestyle and fashion, and uske upar ek theater ko aana, ek theater ke new play ko aana, I think it's a very prestigious thing, a big privilege for all of us. So thank you Nishin ma'am for doing this, and Kulvinder sir, thank you for choosing me to be your karan, and thank you for being a strict teacher. बिकॉज ये हमें बहुत रेसल कराते हैं और हमारा खून निकालते भी नहीं, पीते भी हैं साथ साथ में. सो दैट्स हाउ ही हैज बीन. बट थैंक यू सर, थैंक यू. इट्स जस्ट एन ऑनर टू वर्क विथ यू एंड सुपर टैलेंटेड मैन. जो मैंने जो भी डांस किया, जो भी कुछ हमने किया है, इट्स ऑल बीन टॉट बाय हिम टू मी, एंड आई जस्ट फील सो नाइस. या बिकॉज संदीप ने समझा उस बात को, एंड जो संदीप ने किया आज, जो जो इन्होंने बताया कि हम सब में एक कर्ण होता है, सो मुझे भी उस चीज़ को सामने लाना था और मेरे रीडर्स को, मेरे व्यूअर्स को, सबको ये बताना था कि हाउ फैंटास्टिक दिस एक्ट इज़. एंड किसी भी अच्छी चीज़ के साथ होना बहुत अच्छा फील करता है, और मुझे क्रिएटिव चीज़ों से बड़ा लगाव है. सो कुछ भी क्रिएटिव दिखता है तो मैं उसको प्रमोट करना बहुत पसंद करती हूँ. एंड या बाकी लोग, मतलब वही मैंने जैसे कहा कि ब्यूटीफुल प्रोनाउंस लोग करते हैं ब्यूटीफुल, तो काफ़ी मेन आर नॉट कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं कवर पे आने के लिए, बट संदीप ने बी ब्यूटीफुल को समझा. सो थैंक यू संदीप. और जैसे कि मैंने बोला, मैं संदीप को अब करीब करीब साल भर से जान रही हूँ, सो इट इज़ यू नो लाइक अ प्लेजर. मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि ब्यूटीफुल पे कवर पे संदीप का होना मेरे लिए बहुत ग्रेट है. थैंक यू संदीप. और करना संदीप सर को होना चाहिए ऐसा आपको कब लगा? यस, क्योंकि मॉडर्न करना जैसे एक्सप्लेन किया गया कि हम बहुत कम सुनते हैं, ये मुझे भी बहुत टाइम से मतलब बताना था कि हम बहुत कम सुनते हैं, और जब हम कम सुनते हैं हम कम सीखते हैं. हम उतना ही बोलते हैं जितना कि हमको पता होता है, पर अगर हम सुनेंगे तो हम नॉलेज गेन करेंगे. तो हमको सुनना ज़्यादा चाहिए, सुनकर रिएक्ट करना चाहिए, ना कि हम सुनते हैं बोलने के लिए. तो बोलने के लिए नहीं सुनना चाहिए, सुनने के लिए सुनना चाहिए. और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मुझे लगा कि मॉडर्न करण का मेरे मैगजीन पे होना मेरे लिए बड़ी बात है. सर, आपसे जानना चाहूँगा आज का जो एक्ट था उस बारे में कुछ बताइए, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी सर के साथ और क्या कहेंगे? ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी फिक्स नहीं था. ये एक्सपेरिमेंट है बहुत ही अलग तरीके का. कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सामान देश के हर कोने से उठाकर, फिर संदीप सर को लेकर को ब्लेंड करके एक कहानी को कहने की कोशिश कर रहे हैं हम. और क्या होता है कि हमें इतनी आदत पड़ गई है एक जैसी चीज़ों को देखने की, कि हम खुद की चीज़ों को या तो जानते नहीं हैं या देखने के लिए अवेलेबल नहीं है. हमें कोई एक फॉर्म देखना है तो हमें उड़ीसा जाना पड़ेगा, हमें कुछ और देखना है तो नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा, हमें कुछ और देखना है, कलरी देखना है प्योर, तो साउथ में जाना पड़ेगा. तो हमने कोशिश की है सारी चीज़ों को बटोर के इसको करने की. इसकी तैयारी जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, 6-6 घंटे, 5-5 घंटे
प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल के बाद भी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को लाने के लिए। पूरी टीम ही मेहनत कर रही है। सर आपके कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ बताइए, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है सर। Well, costume is all done by him and by Maurya sir. They are the ones who have put the whole look together. So, kundal pehne hue hain, do ye spring wale hain, main nikal sakta hu. Bar kundal pehne hai, Karan kavach pehna hai sunehra. So, I think it's just the entire look was all planned together. Or just keeping it more modern, at the same time keeping it a little more folk, keeping it a little more rustic. And just thanks to these people, mera kuch nahi hai, maine keval pehne hai jo mujhe diya gaya hai. And I think that should be an actor's job. जो सब लोग होते हैं एक साथ उसको टीम जोड़ करके कुछ भी आगे लाते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन, इज जस्ट बीन अ मॉडल फॉर इट एंड आई होप आई बीन अ गुड मॉडल। नेक्स्ट मेरा कैलेंडर आ रहा है जो हमने लास्ट ईयर किया था, इट वाज कैलेंडर 2018 जो इस साल का था। अब हम बना रहे हैं कैलेंडर 2019 जो कि हम सिंगापुर में शूट कर रहे हैं ड्रीम क्रूज पे। सो वो बहुत जल्दी हम लॉन्च करेंगे, मे बी इन जनवरी एंड दिसंबर। और मैं संदीप से भी पूछ रही थी कि अगर वो चल सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड इफ ही अग्रीज, अगर उनकी डेट्स मिल जाती है तो देन हम लोग या वो भी साथ में करेंगे। लास्टली संदीप सर आपसे जानना चाहूंगा, मी टू मूवमेंट चल रहा है अभी, सारी लड़कियां बाहर आके बात कर रही है, इस बारे में क्या कहेंगे सर, इस बारे में आपका क्या? वेल, मेरे साथ मी टू नहीं हुआ है और मैं यही बोलना चाहूँगा दैट इट्स नॉट हैपेंड विद मी, बट अगर किसी का हुआ है ये बात एंड दे आर कमिंग आउट, आई एम ग्लैड दे आर, बिकॉज ऑलवेज इंपॉर्टेंट यू स्पीक अप व्हाट्स हैपेंड इन योर लाइफ। चाहे कभी भी हुआ हो जिंदगी में, हमेशा करेज मिलता है कभी ना कभी जिंदगी बोलने का, बात करने का। गो अहेड एंड स्पीक अबाउट इट एंड आई होप यू गेट जस्टिस फॉर इट। थैंक यू। सो बेसिकली माई एसोसिएशन विद संदीप हैज़ बीन फार लॉन्ग। जब मैं लॉन्च हुआ था जिस शो से, ही वॉज द फर्स्ट गेस्ट ओवर देयर एंड आई बीन वॉचिंग हिज प्लेस एवर सिंस, एंड इट्स ऑलवेज फैंटास्टिक टू सी सच अ ग्रेट परफॉर्मर। आई मीन ही इज सच अ गुड ह्यूमन बींग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज एन अमेजिंग परफॉर्मर। एंड स्पीकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कवर, इट इज़ सो इम्प्रेसिव इफ यू लुक एट इट। आई मीन डोंट यू गाइस थिंक इट्स फैबुलस? सो आई मीन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। एंड कवर में संदीप सर का फ़ोटो होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो इसलिए मतलब इस चीज़ के लिए वो बहुत ही करते हैं, रिजर्व करती हैं। वो एक फुल पैकेज मैन है जो किसी भी लेडीज़ को या किसी भी पर्सन को अच्छे लग सकते हैं। उनकी एक्ट तो है ही अच्छी, उनकी डांसिंग ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा इम्प्रेशिव। बेसिकली कवर डिज़ाइन से पहले we have thought Sandeep sir, me and Kulvinder, ki what kind of the approach should be in the cover. So we got some idea because Karan, Sandeep sir and today's scenarios, so we got a little vibrant. We don't want to portray this image as like a very ancient Karan. Actually the contemporary approach of the Karan is required, so finally it's come out very nice. The everybody's have put it really very genuine efforts to get this, so we got that actually. Sir, aapse jana chahunga, Me Too movement chal raha hai, us bare mein kuch batana chahenge aap? See about Me Too, if you give me a little bit time, agar aap mujhe time restrict nahi karenge to main bolunga, because it's not okay to just like give a pass a statement. But you know, hashtag Me Too has been far awaited. I think it's good that finally something like this is happening in India. Everybody in this industry knows that this is the bitter reality. We all have gone through some kind of harassment or the other. Women have been going through this for a very long time, and I'm very happy that somebody like Tanushree Dutta has actually come forward and spearheaded this whole campaign. If you see how big this thing has become, movies are shutting down on this, you know, artists are being actually not like, people are not preferring to work with the accused people because of this. So I'm very happy that this is happening, and more power to women and men if there are some who want to come out with their stories. And one more thing that I want to say is, you know, do not question the women when they come forward. Don't straight away say nahi iske piche koi motive hai, iske piche publicity chahiye. That's a step back that you're taking. This is not the time to do that. This is the time to actually believe the women. This is the time to move forward with this movement. And yeah, I mean, more power to them, and let's hope that
such people, the predators, the people who are accused, people who are proven to be guilty, let's hope that they actually get banned from the business and we move towards a better society and a better industry. Also, do you think ke girls ke alawa matlab jo men hai unko bhi harass kiya jata hai? Absolutely. Unko bhi aage aake bolna chahiye kyunki ab tak sirf girls aaye hai aage, yeah. Lekin men koi bhi bol nahi rahe to. Yeah. What do you want to say about? See, it is in this industry, I mean, if you specifically about speaking about the fashion business, there are a lot of men who are also harassed and there are a lot of men who go through similar experiences, and I hope they come forward. If I had a story about my own, I would have actually gone through, like I would have actually come forward and said, but I haven't actually been through sexual harassment. I've been through emotional torture from producers, I've been through emotional harassment from the people. When you start in this business, it's obviously difficult, you know, to ascertain that position. So people try to take advantage of you, and it happens with everybody. And it is not limited to women, it happens to men also. And I hope that all these, if there are any of these models or actors, I hope they come up with their stories, and I hope that they also join this movement. Okay, thank you so much. Thank you.